बिना कड़ाके की ठंड, बारिश के बीच भी जारी रही जल साधना। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में साध्वी अंजलि नाथ जल साधना कर रही है। 7 दिसंबर से 21 फरवरी तक ये जल साधना चलेगी। इसी बीच कोहरा, कड़ाके की सर्दी, बारिश, 2 डिग्री न्यूनतम तापमान भी साध्वी अंजलि नाथ की आस्था को निगाह नहीं सका, जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपनी तपस्या जारी रखी। साध्वी का कहना है कि वह विश्व को कोरोना जैसी बीमारियों से दूर रखने के लिए ये तपस्या कर रही है। मेरा ये कहना है कि अगर हमने चोला पहन लिया है और हम महात्माओं का काम क्या होता है जिसकी महान आत्मा है, अगर हमने चोला पहन लिया है तो हमें अपनी भजन में लीन हो जाना चाहिए, हठ योग भी करना चाहिए। संत वही होता है जो हठ योग करता है। पहले ऋषि मुनि कितने कितने साल वर्षों बीत जाते थे उन्हें हठ योग करने के, दीमक लग जाती थी। कहते हैं कि संत महात्माओं पर पृथ्वी टिकी है और हमें, मैं तो यही मेरे का सबसे अनुरोध है कि यही मेरा सबसे विनती है कि संत अगर बनो तो उस चोले को, दामन को खराब मत करो और हठ योग करो। हठ योग क्या, अगर आप करोगे तो जल कल्याण, विश्व शांति बनी रहेगी और धर्म हमारा। साध्वी अंजलि नाथ के अनुसार वह जल साधना के साथ साथ अग्नि साधना भी कर चुकी हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण है।